हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह 5 to 7 मिनट में प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हो आपकी यूट्यूब के वीडियोस के लिए। इससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आपके लिए थंबनेल इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्यों इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना टाइम आप यूट्यूब के वीडियो बनाने में टाइम देते हो, उतना ही टाइम आपको थंबनेल बनाने को भी देना चाहिए आपको, क्योंकि थंबनेल से आपके वीडियोज व्यूज आते हैं। जो वीडियो कैसे आते हैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला अगर मैं समझ यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर रहा हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब अकाउंट, तो यूट्यूब यहाँ पे लिस्ट करता है जो वीडियोज कैसे करते हैं, पेज ऑन टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के ऊपर या फिर टाइप्स के ऊपर, ठीक है। ये तीन चीज़ आपके हेल्प करती है आपकी वीडियोस को सर्च में रैंक करने के लिए। बट ऐसा नहीं आपके खाली वीडियोस यहाँ पे रैंक करेंगे, और भी वीडियोस होंगे जिनको लिस्ट में दिखेंगे, तो मैं आपकी वीडियो पे क्यों क्लिक करूँगा वो डिपेंड करता है आपके थंबनेल पे। वो थंबनेल से आइडिया देता है कि आपकी वीडियोस में क्या है, और उसके आप टाइटल के बेस पे मैं क्लिक करूँगा आपकी वीडियोस पे। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। इससे पहले मैं आपको बता दूँ यूट्यूब की वीडियो से थंबनेल्स होते हैं वो मैं बनाता हूँ, मेरा भाई बनाता है, तो आगे का वो प्रोसीजर आपको वो बताएगा। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को, हमें ज्यादा देर से आप देखिए टेक्निकल प्रॉफिट को, लेट्स डू इट। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको सबसे पहले वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, canva.com करके है। तो आप गूगल पे सर्च करो canva.com, canva.com ओपन कर लेना। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइनअप। तो साइनअप पे क्लिक कर लो। साइनअप आप दो तरीके से कर सकते हो, दो या तीन तरीके से। आप साइनअप विद गूगल कर सकते हो, साइनअप विद फेसबुक कर सकते हो, या साइनअप विद ईमेल कर सकते हो। तो आपको जो प्रिफरेबल लगेगा आप उस हिसाब से कर लेना। तो मैं पहले से ही रजिस्टर कर चुका हूँ इस पे, तो मैं सीधा लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा देखो पहले से ही इधर दिखा रहा है इरफू और इधर पासवर्ड है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो हम अब लॉगिन हो चुके, मैंने जो रजिस्टर किया था वो अकाउंट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो आप यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे जो दिख रहा है क्रिएट डिज़ाइन, उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम अभी है होम पेज पे, और उसके बाजू में टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट में यहाँ पे आपको दिख रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप देख सकते हो इंस्टाग्राम स्टोरी आप बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, फेसबुक पोस्ट, ऐसे बहुत सारे चीज़ आप बना सकते हो। फिर पर्सनल में आप इनविटेशन कार्ड्स, रेज्यूम्स, पोस्ट कार्ड, ये सब चीज़ आप बना सकते हो। आप जितना एक्सप्लोर करोगे उसको उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और थर्ड पे है बिजनेस। बिजनेस के लिए आप अगर कैनवा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो। मार्केटिंग के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ट्रेंडिंग में बहुत सारे चीज़ें हैं, वो आपको मैं नीचे वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फिर डिस्कवर में आप जाओगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारा फ़ोटो है जो फ्री है, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी कॉपीराइट्स नहीं आएगा। आइकन्स है एंड फीचर्स बहुत सारे, तो आप देख सकते हो। आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना, मेरे बताने से आपको इतना वो नहीं होगा, आप जितना एक्सप्लोर करना चाहोगे उतना एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर इधर है रिकमेंडेड फॉर यू, तो ये मेरा टैब सेक्शन पहले से ही खुला है, तो ये जो रिकमेंडेड दे रहा है वो चीज़ यहाँ पे है। ऑल योर डिज़ाइंस, ऑल योर डिज़ाइन में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जितने भी डिज़ाइन बनाए अभी तक, तो वो सब डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं दो तीन यूट्यूब चैनल भी है तो उसमें मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है। फिर आप ब्रांड किट देख सकते हो, तो आपको जो ब्रांड अगर चाहिए तो आपको इसका परचेस करना पड़ेगा, कैनवा का जो लाइसेंस, इसके लिए आप ब्रांड किट इस्तेमाल करोगे तभी। क्रिएटर टीम, अगर आप हाफ काम कर रहे हो और हाफ काम आपका बचा है, तो आप उसको एक लिंक शेयर करके भी पूरा फुल काम कर सकते हो। फिर ऑल योर फोल्डर्स, मतलब आप फोल्डर्स में भी रख सकते हो जो भी बनाते हो, अलग अलग फोल्डर में जो भी आपका रहेगा। तो ट्रैश में आपका अगर डिलीट करते हो कुछ चीज़, तो आपका ट्रैश में जाएगा, डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ है इसके। तो मैं होम पेज पे आता हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो यहाँ पे है यूट्यूब थंबनेल, आप यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, लोगोज बना सकते हो, यूट्यूब चैनल आर्ट्स बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इंस्टाग्राम, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो इस पे। और नीचे है योर डिज़ाइन, मतलब ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है वो जो आपको पहले दिखा है यहाँ पे, ऑल योर डिज़ाइन, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ट्रेंडिंग टेम्पलेट, मतलब ये सब जो टेम्पलेट है वो सब अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ये सब ट्रेंडिंग टेम्पलेट है, तो आप इसको देख के भी आप यूज़ कर सकते हो। कि अगर आपको एक एजुकेशनल वीडियो बनाना है, तो कोई भी आप टेम्पलेट ले लोगे एजुकेशनल के ऊपर, तो आपको
फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आपको सब कुछ उस टेम्पलेट में मिल जाएगा, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ करके आप वीडियोस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। फिर इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो इंस्टाग्राम में आप इंटरेस्टेड हो तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट को देख सकते हो। फिर लोगोस भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, इधर आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लोगोस को यूज़ करके आप दो तीन लोगों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप एक लोगोस बना सकते हो। उसके बाद है हमारा मेन टॉपिक जो है YouTube थंबनेल। YouTube थंबनेल में इधर बहुत सारे थंबनेल दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस कर लो कि आपको जैसा थंबनेल चाहिए। तो मेरे को ये बेटर दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, लोड हो रहा है। हाँ, लोड हो गया। तो थंबनेल, ये जो थंबनेल है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने सोच के रखा है कि मेरे को बनाना क्या है, तो मैं जो ऊपर मेन हेडिंग है वो मैं रखूँगा प्रोफेशनल थंबनेल कैसे क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोफेशनल थंबनेल कैसे क्रिएट करें, और यहाँ पे मैं लिखूँगा थंबनेल टिप्स एंड ट्रिक्स 2020 लिखूँगा। तो मेरे को जो लिखना है वो मैंने पहले डिसाइड करके रखा है, और यहाँ पे आप अपना खुद का इमेज डाल सकते हो, या मेरे को ये बेटर लग रहा है क्योंकि यहाँ कुछ वो डिज़ाइन कर रहा है तो मेरे को ये बेटर लगा, तो इसके लिए मैं यही रहने देता हूँ। तो मैं लिख के आपको बताता हूँ। ओके, तो मुझे थंबनेल में जो डालना था डालना है जो वर्ड मैंने पहले से लिख के रखा है नोटपैड पे, तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मेरे को यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं उसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना आप, और यहाँ पे आपको जितना चाहिए उस हिसाब से कर लेना। तो मेरे को 60 लग रहा है, बराबर दिखेगा, तो उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा छोटा आप कर सकते हो उस हिसाब से। ओके, तो ये साइज पे बराबर आ नहीं रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको वो कर देता हूँ, थोड़ा सा बिग कर देता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ इसके साइज़ को, तो बराबर दिखने लग जाएगा। तो अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है मेरे को, इसको सेंटर में ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेंटर में ले लिया मैंने, और यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, तो मैं वो भी डाल देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, मैं क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा नीचे आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको ड्रैग कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मेरे को क्या लिखना है, और एक और चीज़ मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को ये भी चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके मेरे को डबल क्लिक करना आप, और इधर पेस्ट कर देना। तो थंबनेल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये भी थोड़ा सा स्मॉल है, तो उसको मैं बिग कर देता हूँ, मेरे हिसाब से 30 थोड़ा बेटर लगेगा, और एंटर कर देना आप, तो थोड़ा बिग दिखेगा। और यहाँ पे इतना चीज़ हो गया। उसके बाद आप इधर से उसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना अगर थंबनेल डालना है या अपना इमेज डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपलोड कर लो। अपलोड करने के बाद यहाँ से ड्रैग करना, और यहाँ पे आके थोड़ा साइड पे रखना, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा। उसके बाद इस पर ही क्लिक करना, यहाँ पे क्रॉप पे जाना। क्रॉप पे जाने के बाद आपको जहाँ चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर लेना, लेकिन अभी ये जा नहीं रहा है, तो आप उस हिसाब से रखना फ़ोटो, उस हिसाब से लेना कि वो उस जगह पे सेट हो जाए, या थंबनेल उस हिसाब से डिसाइड करना कि इधर आपका इमेज है उस जगह पे आ जाएगा। तो जैसे करोगे आप, डन करोगे, आपका यहाँ पे इमेज सेट हो जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं वही पुराना वाला रहने देता हूँ जो है। उसके बाद आपको और थोड़ा बता देता हूँ, आपको इफ़ेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे इफ़ेक्ट डाल सकते हो, जो भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए। फिल्टर है, एडजस्ट है, एडजस्ट कर सकते हो आपको सैचुरेशन ब्राइटनेस कितना चाहिए उस हिसाब से, जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हो। और भी कंट्रास्ट है, बहुत सारा चीज़ें। क्रॉप तो अब मैंने बता ही दिया। यहाँ पे आप टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे आप हेडिंग के लिए हेडिंग चाहिए तो हेडिंग डाल सकते हो, सब हेडिंग डाल सकते हो। और लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, मतलब छोटा सा अगर टेक्स्ट किधर आपको पुट करना है वो भी कर सकते हो। एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल ऐसे बहुत सारे शेप दिख जाएंगे, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। आपको वीडियो यूज़ करना है तो वीडियो भी आप यूज़ कर सकते हो।
बैकग्राउंड में आपको कुछ चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है आप यहाँ पे जिस पे आपको कुछ भी करना है उस पर क्लिक करो और यहाँ से आपको इस पर यूज़ करना है और उसका कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये सब तो हो गया, लेकिन आप डाउनलोड कैसे करोगे? तो डाउनलोड के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख ही रहा है कि डाउनलोड पे इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप पहले देख लो कि PNG में है कि नहीं। PNG में है फिर आप डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे, आपका थंबनेल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड हो गया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। इरफान शेख साइनिंग ऑफ फॉर अ डे।